नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने खास YouTube चैनल में। मैं हूँ आचार्य सपना श्री। दोस्तों, इस कोरोना काल में हम भगवान को याद कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं कि कृपा करो, रक्षा करो। लेकिन एक बहुत जरूरी काम हम करना भूल रहे हैं शायद, वो है इन शक्तियों को जिनको कि हम निमंत्रण दे रहे हैं, जिनका हम आवाहन कर रहे हैं कि क्या हम इनको भोग दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ये शक्तियां आ जाती हैं घर में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिटपिट बहुत हल्की सी महसूस होती है कि कुछ आवाज हुई है, तो कभी लगता है कि कोई चूहा निकला होगा या साथ वाले घर की आवाज होगी। लेकिन ये शक्तियां आपके आवाहन करने पे आ जाती हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति महसूस करवाती है, लेकिन हम शायद इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। अब ये शक्ति आपकी रक्षा करने के लिए आ तो गई, लेकिन इनको भी भोग की जरूरत पड़ती है। भोग चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं थैंक्स करना, ग्रैटिट्यूड किसी के लिए। कोई मेहमान भी घर में आता है तो हम उसको पानी चाय पिलाए बिना नहीं भेजते, ये हमारी सभ्यता है और यही पूरी मानव जाति के संस्कार हैं। तो ऐसे ही इन शक्तियों को कैसे भोग देना है। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, काफी दुकानें मार्केटें भी बंद है। बहुत ही आसान, हर बार की तरह मेरा दोस्तों पूरा जोर और फोकस ये रहता है कि आसान से आसान तरीके से उपाय किए जाएं। ना तो इतना समय किसी के पास रहता है और ना शायद लोग इतने एफर्ट करना चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है अपनी जिंदगी में, लेकिन बदले में खुद एफर्ट करने में कहीं ना कहीं एक आलस होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान उपाय लेके आई हूं, लेकिन बस अपना संकल्प शक्ति, अपनी इंटेंशन क्लियर रख के चलना, ताकि आपका काम, आपका भोग जो है वो ग्रहण किया जाए, आगे से एक्सेप्ट किया जाए। आपको क्या करना है इसके लिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 3 पतासे। 2 लौंग, 2 इलायची और 3 पतासे। आपके जो भी कोई ईष्ट हैं, जिस किसी की भी आप आराधना करते हैं, उनको भोग प्रसाद आपने ये देना है, बोल के कि हमारे घर की रक्षा करो, कृपा करो प्रभु, और जो भी कोई शक्ति हमारी रक्षा के लिए आई है, ये जो भोग है इसको ग्रहण करिए। अब भोग को अपने झूठे किसी बर्तन में मत दीजिएगा, आप बे लीफ के ऊपर रख सकते हैं। तेज पत्ता जो होता है, अगर खंडित ना हो, पूरा तेज पत्ता मिल जाए तो तेज पत्ते के ऊपर आप इसको रखें, इनके आगे रख सकते हैं। या तो फिर मेरे पास, आप ये देखेंगे मेरे मंदिर में ये एक कटोरी रहती है, ये जो है पत्थर की कटी हुई कटिंग की कटोरी है, ये पत्थर की बनी हुई है, इसमें भोग जो है हम दे सकते हैं। ये आप जरूर करिए और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये शक्तियां अपने गण भेजती हैं। ये शक्तियां खुद उपस्थित नहीं होती हैं, आगे अपने गणों को भेजती है, किस तरीके से हमारे घर के, हमारी परिवार की इस महामारी के समय पे रक्षा करेंगी। ये मेरा आजमाया हुआ है और ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ कोई उपाय नहीं है, ये प्रसिद्ध सब जानते हैं, लेकिन बस जो लोग नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए है कि आप इस तरीके से भोग प्रसाद दे सकते हैं। अब देने के बाद पूरी रात्रि वहां पड़ा रहेगा, सुबह आप चढ़ाते हैं, शाम को चढ़ाते हैं, अगले दिन इसको आप ले जाके जो इलायची है और लौंग है इसकी आप लोग चाय बना के पी सकते हैं, और जो पतासे हैं वो किसी चींटी मकोड़ों वाली जगह पे ले जाके आपने डालनी है, ताकि वो चींटी या मकोड़े उसे खा सके। अगर कोई मां भगवती की काली की शक्ति की ज्यादा आराधना करते हैं और उन्हीं का वो ही हमेशा आवाहन करते हैं, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप देसी घी का थोड़ा सा हलवा बना के उनको दीजिए, देसी घी का हलवा बना के उनको दीजिए, और उसके बाद उस प्रसाद को सिर्फ घर के लोग, उसको बांटना नहीं है आपने, घर के लोगों को उसको फिर खाना है। 1 घंटे के लिए आप माँ के सामने रख दीजिए कि माँ हमारी तरफ से ये भोग प्रसाद है, इसे ग्रहण करिए, और बाद में उसको आप सारे घर के लोग उसे ग्रहण करिए। आप देखेंगे किस तरीके से ये शक्तियां आप पे अपनी कृपा बरसाती हैं। इसको जरूर करिए, आवाहन करिए, भगवान से मदद मांगिए, हम सब वही कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस
काम को जो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, इसको आप जरूर करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आप लोगों को भी अपने आसपास ऐसी शक्तियां महसूस होती है, क्योंकि कई लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं, ये अच्छी शक्तियां होती है जो हमारी मदद के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास होती हैं। बस जानने की नजर चाहिए, उनको महसूस करने के लिए वो दिल चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने ऐसा किया और आपके घर में बिल्कुल भी ये विपदा जो है, जो ये महामारी है, आपके घर के अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगी। यकीन मानिए। जय मां भगवती।